जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में बने टेकल गुड़े कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके अलावा नक्सलियों पर एक्शन को लेकर डीआरजी सीआरपीएफ बस्तर फाइटर पूर्व जवान और अधिकारियों के साथ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की। 30 जनवरी को नक्सलियों ने इस कैंप पर हमला बोला था। 3 जवान इसमें शहीद हुए थे और कई जवान जख्मी हुए थे। तो सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर बना हुआ है टेकल गुड़म गांव और यहां अब रात दिन फोर्स का मूवमेंट रहता है। वहीं सुरक्षा बल नक्सलियों के जवानों पर हमले के बाद जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो उन्हें घेरने की रणनीति बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को जवान अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। क्या कुछ रणनीति है ये धीरे धीरे साफ होगा। जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया जाएगा और हिड़मा समेत कई बड़े नक्सली टारगेट किए जाएंगे। कुछ महीनों से हमारा इरादा ये थे जो बस्तर संभाग के कुछ भी इलाका को महोदय को कब्जे में नहीं रहने दे, इसी इरादे से हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी हिसाब से अभी वर्तमान में जो कैंप्स प्रारंभ किए गए थे सालेतोंग दुलेर होगी टेकलगुड़म होगी, ये महोदयों का जो कोर इलाका माना जाने वाला इलाका में हमने 24/7 स्थायी रूप से उपस्थित होने के हिसाब से कैंप स्थापित किए थे। इस दौरान काफ़ी एक जो हाई इंटेंसिटी जो रेजिस्टेंस होने का पूरा संभावना थे, उसी हिसाब से दिनांक 30 जनवरी को भी घटनाक्रम हुआ। लेकिन हमारा जवान और हमारा संपूर्ण फोर्स इन सब परिस्थिति को सामने करने के लिए मानसिक रूप से और टेक्नोलॉजिकली और वेपन फायर पावर के हिसाब से पूरा तैयारी के साथ गए थे और आने वाले समय और हम मजबूत इरादे के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि वंस फॉर ऑल ये समस्या को समाधान करके क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाने का हमारा इरादा, उसमें हम सफल होगा। सहयोगी श्रीनिवास नायडू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, बारसे देवा की फोटो सामने आई है, हिड़मा के प्रभाव क्षेत्र वाला ये इलाका है, ये बात सही है कि रणनीति साफ नहीं की जाएगी, पर क्या ये साफ है कि अब आक्रामकता के साथ हमला किया जाएगा? श्रीनिवास जी, बिल्कुल। 30 जनवरी को जो टेकलगुड़ा में जो मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद जो 3 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो सुरक्षा बल के जवान, चूंकि हिड़मा का इलाका है पूर्वर्ती टेकलगुड़ा, इसको घेरने के लिए कैंप स्थापित किए गए हैं। अब लेकिन सुरक्षा बल एक नई रणनीति बना रही है और हिड़मा सहित जो तमाम जो नेता है माओवादी लीडर है उनको घेरने के लिए सुरक्षा बल 24/7 यानी रात दिन इलाके का गश्त करेगी और जो नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उसको मुक्त करेगी। साथ ही बस्तर आईजी ने दावा किया है कि अब जो मुठभेड़ होगा या फिर एनकाउंटर होगा वो बड़ा होगा, ऑपरेशन काफ़ी तेज चला जाएगा माओवादियों के खिलाफ, चूँकि माओवादी के चलते वो विकास से दूर है वो गाँव, इसके चलते वहाँ पर जो सरकार की जो योजना है वो पहुँचनी चाहिए लेकिन पहुँच नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं ये जो माओवादी है इसके रोड़ा बन रहे। तो बस्तर आईजी ने कहा कि अब जो मुठभेड़ होगा एनकाउंटर होगा उन तमाम जो बड़े लीडर हैं हिड़मा सहित कई बड़े लीडर हैं उनको सुरक्षा बल टारगेट करेगी और इसके लिए जो अभी बीते दिनों जो डीजीपी है प्रदेश के डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने जवानों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद एक नई रणनीति तैयार हुई है और आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन होगा वो काफ़ी तेज होगा। जी, आने वाले दिनों में ऑपरेशन काफी तेज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बात सियासत की। अंबिकापुर में कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मंथन किया। 13 फरवरी को न्याय यात्रा अंबिकापुर पहुंचेगी, इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। सचिन पायलट ने कहा कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है लेकिन 10 साल से चंद लोगों को फायदा देने का काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार के किए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें 14 जनवरी को मणिपुर से निकली न्याय यात्रा का 20 मार्च को मुंबई में समापन होना है। अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ जगहों पैदल चलेंगे और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी
भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। इधर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर चौथे दिन भी कार्रवाई जारी है। टीम के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जगहों पर पूर्व मंत्री के ठिकानों पर और उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। करके कई ठिकानों में आईटी ने दबिश दी है और ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का निवास है। यहाँ भी चौथे दिन भी आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, वो सतत जारी है। हालांकि आईटी की अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, किस तरह का जो खुलासा हुआ है इसकी अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। और अभी भी कार्रवाई लगातार आईटी डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार कार्रवाई है जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संयोजक बनाए गए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की मुसीबतें कम नहीं हो रही। चौथे दिन भी अमरजीत भगत के निवास कार्यालय यहां पर जो आईटी डिपार्टमेंट के अफसर हैं वो तमाम जगहों पर लगे हुए हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं। आईटी की कार्रवाई से अमरजीत भगत न्याय यात्रा की तैयारी नहीं कर पा रहे, उनके कई करीबियों से आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। करके कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का सरगुजा दौरा है। लगातार प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बैठकें कर रहे हैं और रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में संयोजक बने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार उनके घर कार्यालयों में आईटी की टीम दबिश दे रही है। ऐसे में 4 दिनों से पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अमरजीत भगत के बंगला और निवास पर हूं और लगातार जो है चौथे दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी है और लगातार उनके समर्थकों के यहां भी जो आईटी की टीम है वो लगातार पूछताछ की कर रही है। और ऐसे में कब तक ये आईटी की कार्रवाई जारी रहती है बता नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से यहाँ एक तरफ जो सचिन पायलट हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगातार बैठक और रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो भारत जोड़ो यात्रा के लेकर संयोजक बनाए गए थे वो नहीं निकल पा रहे हैं। अब लगातार जिस तरह से सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ में दौरा है और राहुल गांधी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसे में एआईटी की टीम खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को मुसीबत कम करने का नाम ही नहीं ले रही। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले